नई विधानसभा में आज अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से मुझे जो निर्वाचित किया उसके लिए मैं सभी दलों का और माननीय सदस्यों का मैंने बहुत आभार व्यक्त किया। मैं आशा करता हूं कि राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली परंपरा रही है। राजस्थान विधानसभा में स्टालवर्ट अध्यक्ष के पद की पद पर उन्होंने सुशोभित किया है और राजस्थान की परंपरा सारे देश में कोट की जाती है। मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से उस गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे हुए अध्यक्ष पद पर निष्पक्षता से निर्णय करके सभी सदस्यों का विश्वास जीतने का मैं काम करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं वो नियम और हमारी परंपराओं को ध्यान में रखकर सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे और हम आने वाले समय में राजस्थान की जो हमारी नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, राजस्थान में जो डेमोग्राफी बदली है, उनकी जो एस्पिरेशन है, उनको समझकर इस तरह का निर्णय लेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि चुने हुए प्रतिनिधि हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं और राजस्थान में हमने आज़ादी के बाद जितनी प्रगति की है उस प्रगति को और आगे बढ़ा सके। मैं आशा करता हूँ विपक्ष मिलकर इस नए विधानसभा में राजस्थान की जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे और एक अध्यक्ष के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का मैं ईमानदारी से निर्वहन करने का काम करूंगा। और कार्य दिवस बढ़े और ज्यादा से ज्यादा सदन फंक्शन के तौर पर नजर आठ नाइट गाड़ी के जरिए से वो उस लिहाज से क्या आप नया शुरुआत करें। निश्चित तौर पर जितना ज्यादा सदन मिलेगा उतना जन समस्याओं का निराकरण हो सके। चुनी हुई सरकार किसी भी पार्टी की हो ये उसका उत्तरदायित्व होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उससे काम ले और ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी जब ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा सदन चलेगा और सदन ज़्यादा चलने के लिए सबकी भूमिका होती है। भूमिका से कहने का मतलब यदि नियम और परंपराओं के अनुसार सदन में हम भाग लें, चाहे सदन की डिबेट में भाग लें, चाहे सदन के और दूसरे जो उचित माध्यम है उनसे जनता की समस्या को निराकरण करने के प्रश्न उठाएं, समय का पूरा सदुपयोग करें, तब मैं समझता हूं कि 60 डेज के और आवश्यक हो तो भी निर्णय कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि सदन में सभी सदस्य किस तरह का बिहेवियर करते हैं। कहीं कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में समाधीनता बढ़ती जा रही है। आप भी रहे हैं लोकसभा में भी रहे हैं विधानसभा में भी रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती दिखती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि संवादहीनता नहीं होगी और आपने देखा होगा कि जो मेरा नॉमिनेशन हुआ उसमें सभी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक अध्यक्ष के रूप में यदि संवादहीनता होगी तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि हम संवाद सभी पक्षों में हो जिससे हम सार्थक चर्चा कर सकें और संसदीय परंपरा की यही आवश्यकता है। हम अपने विचार मतभेद रख सकते हैं लेकिन डायलॉग तो होना ही चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। यदि उसमें कोई कमी नजर आती है आपको, मुझे तो नजर नहीं आती है, यदि कोई कमी नजर आती है तो निश्चित तौर पर इसको ठीक करें। साहब आपके पास में आज ये चेयरमैन का पद भी है तो वो प्रशासन को सही समय पे नहीं आते, अध्यक्षों ने पिछले बार के अध्यक्षों ने कई बार गलत किया, तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? उनका आज प्रथम दिन है, सारे प्रश्न पूछकर आप सदन के 5 साल की परंपरा होगा सर कौन होगा, आप इस बात को अप्रिशिएट करें। सर बैठक कब तक कम होगी? जैसा मैंने पहले आपको कहा है कि सदन ज्यादा चले ये इसलिए आवश्यक है कि कोई भी पार्टी सरकार में आए एग्जीक्यूशन बाई ब्यूरोक्रेसी होता है, जितना सदन ज्यादा चलेगा अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की ज्यादा होती है। ये अकाउंटेबिलिटी पार्टी क्यों ले, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की होनी चाहिए बिकॉज डिलीवर करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। कोई भी पार्टी सरकार बनाती है अपनी मीडिया बनाती है पर उनको लागू करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है, तो कमी और खामी जो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर है वो तभी सामने आएगी जितना सदन ज्यादा चलेगा। तो मैंने आपको कहा कि ये सब जैसा आपने प्रश्न किया ये सब आने वाले समय में आप खुद देखेंगे कि सदन चलने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर समुचित मिलता है या नहीं मिलता, पर मेरी कोशिश बराबर रहेगी कि सदन में जो भी प्रश्न है उनका समय पर उत्तर आए और सदन में ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो जिससे हम जन आकांक्षाओं को पूरा करें।